अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज SEO की दूसरी क्लास के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है SEO होता क्या है, टाइटल क्या होता है और डिस्क्रिप्शन क्या होती है, आर्टिकल बॉडी और कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उस चीज़ का नाम है जिसके ज़रिए आपके वेब पेजेस सर्च इंजन में विजिबल होते हैं, आसानी के साथ विजिबल होते हैं, रिजल्ट आते हैं बगैर किसी चार्जेस के, बगैर किसी पेड सर्विस के, और नेचुरल ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप गेन करते हैं और उसके बदले में आपको अर्निंग होती है। टाइटल क्या होता है? टाइटल किसी भी पोस्ट, किसी भी वेब पेज के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपके लिए पोस्ट ओपन करता हूँ, नावल है बुत शिकन बाय अमाया खान PDF। अब इसमें बुत शिकन बाय अमाया खान PDF इस पोस्ट का एक नावल है, एक टाइटल है, जिसे पता चलता है कि ये पोस्ट किस हवाले से है, इसका मौजू क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका मकसद क्या है। बगैर मकसद के, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक शॉप है, मोबाइल शॉप है, मोबाइल शॉप आपकी है, लेकिन उस पर आपने कुछ नहीं लिखा, कोई एडवर्टाइज नहीं किया, उसका टाइटल नहीं दिया शॉप पे, जस्ट एक डोर है और आप अंदर बैठे हैं, तो आप क्या होप करते हैं कि लोगों को कुछ पता चलेगा कि ये शॉप किस चीज़ की है। तो उसी तरह इंटरनेट सर्च इंजन में जब गूगल के रोबोट क्रॉलिंग करने आते हैं तो वो पूरा आर्टिकल रीड नहीं कर सकते, वो सबसे पहले आपके वेब पेज का टाइटल रीड करते हैं, ये टाइटल होता है। ब्लॉगर में यहाँ न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइटल ऐड किया जाता है, ये एरिया पोस्ट बॉडी या बॉडी आर्टिकल कहलाता है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड की जाती है कि बताया जाता है सर्च इंजन को कि यहाँ पे आप क्या डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ आपने अपने वेब पेज पे। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ SEO टिप्स, मैंने लिखा, गूगल में सर्च किया, तो यहाँ ये जो एरिया मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये एरिया डिस्क्रिप्शन कहलाता है, जिसे हम पढ़कर कोई भी यूज़र अट्रैक्ट होके उस लिंक पे क्लिक करके उस यूज़र की वेबसाइट को ओपन करता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह ये बात समझ आ गई होगी कि डिस्क्रिप्शन क्या होती है, टाइटल क्या होते हैं और बॉडी आर्टिकल बॉडी ब्लॉगर में कौन सी प्लेसमेंट को कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह।